लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 1954, ऑल इंडिया रेडियो में काम करने वाला एक युवा अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर वीर सावरकर की एक कविता पर संगीत बना रहा था। संगीत बनाने का उसका काम पूरा हुआ ही था कि उसके पास एक कारण बताओ नोटिस पहुंचा। उस नोटिस में उससे कारण पूछे गए थे कि उसने वीर सावरकर की कविता पर संगीत क्यों बनाया। उसने अपनी बहन से बात की और जवाब में बस इतना लिखा कि इट वॉज अ ब्यूटिफुल पोएम। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और ये कहानी है देश की सबसे मशहूर पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की, जिनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर के साथ ये घटना हुई थी। साल 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर इन दिनों बीमार हैं। कोरोना संक्रमण के कारण वो अस्पताल में हैं और पूरा देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। आयुध परिवार भी लता मंगेशकर जी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है और हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी कहानियाँ जिनके कारण हमेशा शांत शालीन प्रेम से बात करने वाली लता मंगेशकर विवादों में घिर गई थी, लेकिन उन्होंने मजबूती के साथ इन विवादों का जवाब दिया। लता मंगेशकर ने कभी ये बात छुपाई नहीं है कि उनके परिवार के वीर सावरकर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। यतेंद्रनाथ मिश्रा द्वारा लिखी गई लता मंगेशकर की बायोग्राफी लता एक सुरगाथा के 40वें पन्ने में लता जी खुद बताती हैं कि उन्होंने एक समय पर तय कर लिया था कि अब वो संगीत के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगी। उस समय देश के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। लता मंगेशकर भी राजनीति के माध्यम से देश को स्वतंत्र करने में अपना योगदान देना चाहती थी। उन्होंने संगीत के क्षेत्र को छोड़ने का फैसला कर लिया था और इसकी चर्चा करने के लिए वो वीर सावरकर के पास पहुंची। उन्होंने सावरकर को बताया कि मैंने मन बना लिया है कि अब मुझे गाना नहीं है, अब मैं राजनीति में आना चाहती हूँ, समाज सेवा करना चाहती हूँ, देश को स्वतंत्र करने में अपना योगदान देना चाहती हूँ। लेकिन वीर सावरकर ने उन्हें समझाया कि आप संगीत के माध्यम से भी देश की सेवा कर सकती हैं, आप संगीत के माध्यम से भी देश को स्वतंत्र करने में उतना ही योगदान दे सकती हैं। जिसके बाद लता मंगेशकर ने अपना फैसला बदल लिया। अगर उस दिन लता मंगेशकर ने अपना फैसला नहीं बदला होता तो न जाने हम जैसे कितने लोग उनके इस स्वर से अछूते रह जाते, न जाने हम जैसे कितने लोग उनके मीठी ध्वनि को सुन नहीं पाते। लता मंगेशकर एक बार वीर सावरकर को लेकर विवादों में भी घिर चुकी हैं। लता मंगेशकर ने अपने ट्विटर पे वीर सावरकर की एक तस्वीर पोस्ट की थी और उसके साथ उन्हें भारत माता का सच्चा सपूत बताया था। उनके इस ट्वीट पर कुछ लोगों को मिर्ची लग गई और वो लता मंगेशकर के ट्वीट पर कूद कर उन्हें ट्रोल करने लगे, उनसे भद्दे सवाल करने लगे। इसके जवाब में लता मंगेशकर ने ट्विटर पर आकर उन्हें जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार के वीर सावरकर से घनिष्ठ संबंध थे, उन्होंने मेरे पिताजी के लिए एक नाटक संन्यस्त खड़ग भी लिखा था। लता मंगेशकर के परिवार और वीर सावरकर के ये रिश्ते अब छुपे नहीं हैं। लता मंगेशकर बिना किसी संकोच के वीर सावरकर को अपना आदर्श बताती हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हम ये कामना करते हैं कि लता दीदी जल्द से जल्द स्वस्थ होंगी, दोबारा आकर अपनी मीठी आवाज़ में पूरे देश को संबोधित करेंगी और इसी बेखौफ अंदाज के साथ अपनी बात हम सबके बीच रखती रहेंगी। आप देख रहे थे आयुध, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।